बिसम राहम आज हम मॉड्यूल 153 डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 153 है अबाउट विंडोज़ सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स हमने क्योंकि प्रीवियसली डिस्कस किया है विंडोज़ के अंदर मुख्तु किस्म के हमने सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन है म्यूटेक्स है इवेंट्स हैं सेमाफोर्स हैं तो हम हर एक के कंपेरेटिवली uh, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे कि उनके कम्पेरेटिव यूज के अंदर क्या डिफरेंस हैं या हैं क्या उसका अफेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए एक टेबल है हम उस टेबल पे चलते हैं इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कॉलम वाइज हमारे चार ऑब्जेक्ट्स हैं क्रिटिकल सेक्शन म्यूटेक्स सेमाफोर एंड इवेंट्स और इसको हम मुख्तलफ़ प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखते हैं फर्स्टली ये देखते हैं कि नेम्ड इनमें से कौन सा तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल सेक्शन जो है ये नेम्ड नहीं है इस केस में रेफरेंस होता है नेम नहीं होता बाकी केसेस के अंदर म्यूटेक्स सेमाफोर इवेंट्स के अंदर वो नेम्ड है आप नेम की वजह से उसको अमंग डिफरेंट प्रोसेस जो है शेयर कर सकते हैं विद इन सिंगल प्रोसेस डिफरेंट थर्ड्स के बीच में क्रिटिकल सेक्शन तो शेयर हो सकता है लेकिन विद इन डिफरेंट प्रोसेस शेयर नहीं हो सकता एक्सेसिबल फ्राम मल्टीपल प्रोसेस तो ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है मल्टीपल प्रोसेस के बीच में शेयर नहीं हो सकता क्योंकि उसका रेफरेंस है तो क्रिटिकल सेक्शन का आपके पास रेफरेंस है वो रेफरेंस वैलिड होगा फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस उस प्रोसेस के तमाम थर्ड्स के लिए रेलिवेंट होगा लेकिन किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर वो इस तरीके से यूज़ नहीं हो सकता जबकि म्यूटेक्स नेम्ड हैं सामाफोर्स नेम्ड हैं इवेंट्स नेम्ड हैं तो उस नेम के थ्रू आप डिफरेंट प्रोसेस के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकेंगे जो सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स यूज होते हैं सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्ट है उसके लिए एंटर क्रिटिकल सेक्शन होता है और लीव क्रिटिकल सेक्शन होता है जबकि बाकी तीनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं म्यूटेक्मोफोर इवेंट उसके लिए आपने देखा है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट या वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास वेट कंस्ट्रक्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं म्यूटेक्स के साथ भी सेमाफोर के साथ भी इवेंट के साथ भी और रिलीज़ uh, करने के लिए या सिग्नल करने के लिए लीव क्रिटिकल सेक्शन एक डिफरेंट कंस्ट्रक्ट यूज़ होता है जबकि म्यूटेक्स एवं इवेंट के लिए सेम कंस्ट्रक्ट यूज़ होता है रिलीज़ का uh, जो कंस्ट्रक्ट है वही यूज़ होता है और फिर हमने ये भी देखा है कि अगर म्यूटेक्स जो है बैंडन हो जाती है जिस प्रोसेस ने म्यूटेक्स को अक्वायर किया हुआ है ओन किया हुआ है वो प्रोसेस किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है किसी प्रोग्रामिंग एरर की वजह से टर्मिनेट हो जाता है म्यूटेक्स बैंडन हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी सेमाफोर का एडवांटेज ये है कि कोई भी थ्रेड जो है सेमाफोर को रिलीज़ कर सकती है और इवेंट जो है इवेंट के केस के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ हमारे पास पर परम्यूटेशन हैं कॉम्बिनेशन हैं ठीक है और जब एक इवेंट को हमने सेट किया है तो बाद में उसको रीसेट भी करना पड़ता है पल्स के केस में एक पल्स जनरेट होती है उस पल्स में जो भी थ्रेड गुजर गई गुजर गई या फिर आप जब उसको सेट करते हैं तो ऑटो रीसेट है तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई डिफरेंस है कोई ना कोई एक ऐसा मेकनिज़म है जो कि हमें किसी तरह से बेनिफिट कर रहा है कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा मेकनिज़म यूज़ करना है ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आपको इंट्यूटिवली पता लगता जाएगा कि इस सिचुएशन के अंदर कौन सा मैकेनिज्म जो है वो मोस्ट सूटेबल है जेनेरिक है ओनरशिप जो क्रिटिकल सेक्शन है उसकी ओनरशिप जो होती है वो एक वक्त में ऑफकोर्स एक थ्रेड के पास ही होती है जिस थ्रेड के पास ऑनरशिप है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है म्यूटेक्स की भी ओनरशिप जो है वो एक वक्त में एक ही थ्रेड के पास होती है और मल्टीपल टाइम्स वो उसके ऊपर वेट कर सकता है जितनी मर्जी दफ़ा वेट करे विदाउट ब्लॉकिंग सेमाफोर की जो ओनरशिप है वो कई थ्रेड्स के पास हो सकती है एक वक्त में लेकिन फिर भी उसका एक मैक्सिमम काउंट हमें सेट करना पड़ता है वो हमने जिस तरह देखा था कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर के अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्स हैं ऑफ सेम टाइप तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर इसका काउंट जो है वो सेट करना पड़ता है और इवेंट के केस के अंदर कोई भी थ्रेड जो है वो सेट इवेंट जनरेट कर सकती है पल्स कर सकती है ठीक है जब भी सेट और इवेंट होगा तो जो वेटिंग थ्रेड्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी इफेक्ट ऑफ रिलीज देखते हैं जब भी क्रिटिकल सेक्शन लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी एक वेटिंग थ्रेड होगी वो वेटिंग थ्रेड जो है रिलीज़ हो जाएगी कौन सी रिलीज़ होगी वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता, करता है उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है अगर कई सारी थ्रेड्स वेटिंग है तो उनमें से कोई एक थ्रेड उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एंटर हो सकेगी म्यूटेक्स को जब आप रिलीज़ करते हैं तो इसके अंदर भी इसी तरह ही है कोई भी एक वेटिंग थ्रेड जो है वो ओनरशिप गेन करेगी और रिलीज़ हो जाएगी और अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकेगी सेमोफोर केस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द काउंट मल्टीपल थ्रेड्स भी रिलीज़ हो सकती हैं और जो भी उसका रिलीज काउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ़ रिसोर्स जो हैं वो भी ऑफकोर्स रिलीज़ काउंट की उसी नंबर ऑफ़ रिसोस की बेस के ऊपर रिलीज़ काउंट जो है वो सेट किया जाता है तो बेसिकली रिलीज़ काउंट के ऊपर डिपेंड करते हुए मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं इवेंट्स के केस में हमने देखा है कि जैसे ऑटो इवेंट होते हैं तो उस केस में एक जो थ्रेड है वो रिलीज़ होती है या अगर मैनुअल होता है तो उस केस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो भी रिलीज़ हो सकते हैं तो इस केस में या तो एक होगी या फिर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी